हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के एन पी एनालिसिस में। आज जो हम बात करने वाले हैं विजन आईएएस का, जो 2 अप्रैल को अभ्यास टेस्ट हुआ है, यानी कि प्रीलिम्स एक टेस्ट सीरीज चलती है उनके अभ्यास के नाम से, तो उसका मैं थोड़ा सा रिव्यू बताने वाला हूँ कि उसका। ये देखो, जैसे ये पेपर था, ठीक है, अभ्यास विजन आईएएस का, अभ्यास प्रीलिम्स टेस्ट बुकलेट, GS1 GS2 यानी कि जनरल स्टडी और सीसेट दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एक एस्पिरेंट को हर पेपर में, यानी कि ये जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है, इसमें ध्यान रखने चाहिए, कुछ अपनी गलतियों से और कुछ अपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को साथ मिला के मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपको टेस्ट सेंटर पर टाइम पे पहुँचना है, ठीक है, लास्ट टाइम का वेट नहीं करना। दूसरा ये कि ब्लैक जो बॉल पेन होता है वो ले जाना होता है, ठीक है, वो वहाँ नहीं मिलता है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि इसके बाद बहुत सारी YouTube वीडियोज आपको देखने को मिली होंगी कि पहले एक काम करो, आप पेपर पढ़ो, फिर उसमें जो सर क्वेश्चन है उनको छांटो, फिर जो डिफिकल्ट है उनको छांटो, फिर जो हार्ड है उनको छांटो, फिर MR शीट भरो। अब पता है दिक्कत क्या होती है, जब हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं, ऑनलाइन टिक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमको MR शीट नहीं भरनी होती, यानी कि वो गोला गोला नहीं भरने होते, तो उस वजह से जो हमारी 15-20 मिनट बचती हैं, उस वजह से वो डिफिकल्ट छांटो, सरल छांटो, हार्ड छांटो, ये मीडियम छांटो, वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब हम असलियत में टेस्ट दे रहे होते हैं, कल ये चीज मैंने खुद से नोटिस की कि जब हम असलियत में टेस्ट दे रहे हैं ना, वो MR शीट भर रहे हैं, बार बार गोला भर रहे हैं, ठीक है, तो आप पेपर बस एक ही बार पढ़ पाओगे, ठीक है। मैक्सिमम अगर आपने एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दी, तो निश्चित रूप से 100 मिनट में 100 क्वेश्चन, यानी कि आप एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दे पाओगे, 20 मिनट में आपको MR शीट भरनी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन देखते ही आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप तुरंत स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन पे 2 मिनट दे दी, तो इसका मतलब यह है कि आपका एक लास्ट में क्वेश्चन छूटने वाला है, यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते। आप उस क्वेश्चन पे 15-20-30 सेकंड दो, उस क्वेश्चन समझ में आए, उसका आंसर गोला या जो भी करते हो आप, बोर्ड टिक लगा लो, ना समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, फिर जब खत्म हो जाए दोबारा से उसको देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपने जो 30 सेकंड वहां पे बचाई हुई है, वो 30 सेकंड आपके लास्ट में काम आने वाली है। पहला पॉइंट ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ऑनलाइन टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, ये पक्की बात है, ठीक है। दूसरा, बिना मॉक टेस्ट के दो चीजें होंगी, या तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा तो बस प्री क्लियर हुआ है, ठीक है, भगवान भी नहीं रोक सकते इस बार, या फिर इतना डर लगेगा पढ़ने के बावजूद भी कि यार ये वाला अटेम्प्ट दूं या ना दूं, ठीक है, मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरा प्री क्लियर हो पाएगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, फियर है ना, इनका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है मॉक टेस्ट। इससे क्या होगा, क्योंकि ये जो पेपर है, जैसे इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम मैं अगर बोलूं कि कॉमन सेंस पे बेस्ड है, ठीक है, तो कॉमन सेंस बेस्ड पे क्या होता है कभी कभी कि आपका जो पढ़ाई का कॉमन सेंस है वो वहां पे कितना काम कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और वो आपकी प्रीवियस नॉलेज जो आपने अभी तक पढ़ाई 1 साल 1.5 साल 2 साल में, वो आपको हेल्प करेगा वहां जाके, ये चीजें वहां जाके पता पड़ेगी। अभी तो हो सकता है या तो पेपर देखने में आसान लगता हो, या फिर पेपर देखने में एकदम कठिन लगेगा, बवाल लगेगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने का दूसरा फायदा ये था। मॉक टेस्ट देने का तीसरा फायदा, क्वेश्चन मान लो एकदम से हार्ड आ जाए, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेशन करने की टेक्निक, की क्वेश्चन कैसे आ रहा है, उसे कैसे हैंडल करना है, एकदम नया क्वेश्चन देखने को मिले तो उसे अचानक से कैसे हैंडल करना है, ये वाली टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक मैं रीजन बता देता हूँ, जो हम ये टेस्ट सीरीज देते हैं इसमें क्या होता है, उनकी करंट अफेयर मैगजीन होती है, उनका ही सोर्स पड़ा होता है, क्वेश्चन वहीं से उठा के देते हैं, पहले कभी ना कभी क्वेश्चन सामने से घूम जाता है, ठीक है, एकदम नया क्वेश्चन आने के चांसेस, मतलब ये मान लो 50% तो कम ही हो जाते हैं। अब 50% होने पे हमें लगता है कि हमारे तो सही सही हो रहे हैं, है ना, तो वो हमको थोड़ा सा यहाँ पे जो नए क्वेश्चन को हैंडल करने की टेक्निक है वो हमें यहाँ सीखने को मिलेगी, ठीक है। जनरल स्टडी बन की बात कर रहा हूँ मैं ये। इसके अलावा मैं जनरल स्टडी बन की बात करूँ कि पेपर देने का एक और फायदा, आपको अपना वीक सब्जेक्ट पता पड़ेगा। जैसे मुझे पता पड़ने लगा कि भाई मेरा हिस्ट्री जो है थोड़ा सा वीक चल रहा है ना, या आर्ट एंड कल्चर जो है वो थोड़ा सा वीक चल रहा है, ठीक है, उसे थोड़ा सा सही करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी एक बार स्पेसिस वगैरह देखने की जरूरत
होता है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी थी, ये क्या था, वो क्या था, अब वो चीज़ आपको पेपर देखने से ही पता पड़ेगा। अगर मैं कह दूँ कि मेरा ये वीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये वीक है, हो सकता है आपका पॉलिटी वीक हो जो मेरा अच्छा है, हो सकता है आपकी इकोनॉमी वीक हो, ठीक है, तो ये चीज़ें सारी मैटर करेंगी अलग अलग। रही बात पेपर की, तो पेपर आपको बहुत टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ना मिले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको पेपर दे दूंगा, है ना। और इसके अलावा जनरल स्टडीज बन में तो यही है, जब दोबारा से पढ़ोगे पेपर देने के बाद, तो जो आपने टॉपिक इस क्वेश्चन जो इसमें देखा था टेस्ट में, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको वहां से दोबारा अगर जब आप पढ़ दो तो आपका ध्यान जाएगा, यार ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में था, क्यों था, अरे यार इसमें ये वाली लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है, इसे हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो वहां से वो टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। ये पहली बात थी जनरल स्टडीज। सेकंड यानी कि सी सेट की बात कर लेते हैं, जो हमारा सी सेट का पेपर था ये वाला, ठीक है। अगर आपका मैथ और आपका दिमाग कैलकुलेशन में धीरे है तो यार उसे थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, ठीक है, और वो जब भी होगा जब आप बहुत सारी कैलकुलेशन एक साथ कर रहे हो, है ना, जैसे आपको टेबल्स डटे होने चाहिए, ठीक है, आप प्लस माइनस जो है वो हाथों पे, मतलब एकदम जैसे कि मान लो 16 9 25 है ना, 33 9 42, ठीक है, इस टाइप के जो प्लस माइनस है वो आप आराम से कर सको साथ के साथ, है ना, ऐसा ना हो कि उसमें भी आपको टाइम लग रहा हो, है ना, तो ये चीज़ आपने करनी पड़ेगी। अदरवाइज पैराग्राफ बेस्ड पे अगर आप चाह रहे हो कि भाई मेरा सी सेट क्वालिफाई हो जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पैराग्राफ में क्वेश्चंस गलत होते हैं, ये मानकर चलिएगा, ठीक है। और पैराग्राफ थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं, मैथ भी ट्रिकी होता है, लेकिन मैथ और पैराग्राफ अगर आपका दोनों बैलेंस करके जा रहे हो तो आप बहुत अच्छा, मान लो 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, उसमें से मान लो 40-45 आपके पक्का सही होने हैं, सी सेट क्वालिफाई, ठीक है, क्वालिफाइंग इन द नेचर है, तो सी सेट में आपको ये अप्रोच रखनी पड़ेगी, ठीक है। और एक और चीज़ जो बीच में 12 से 2 या 12 से 3 जो भी रेस्ट वाला टाइम होता है, ठीक है, वो बहुत खतरनाक होता है ना, उस टाइम को कैसे कंज्यूम करना है, अभी से प्रैक्टिस बना लो, कहाँ कैसे कब, है ना, क्या खाना है क्या नहीं पीना है ना, वो चीज़ देख लो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये था कुछ अभ्यास टेस्ट रिलेटेड, मैंने बोल ही दिया दोनों पेपर अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी PDF, कोई बड़ी बात नहीं है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत दिन बाद वीडियो आई है, लेकिन कोई रिव्यू होगा, ठीक है, आपकी आप भी अपनी पढ़ाई करो, हम भी अपनी पढ़ाई करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।